स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एक बड़ी अपडेट है। विभव को मुंबई ले जा रही है पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। विभव पर मुंबई में फोन फॉर्मेट कराने का आरोप है और पुलिस को आशंका है कि डेटा को सुरक्षित रखा गया है। डेटा रिकवर करने के लिए विभव को मुंबई ले जाया जा रहा है। फोन फॉर्मेट करने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ होगी। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। अब दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई लेकर जा रही है क्योंकि फोन फॉर्मेट करने का आरोप है विभव कुमार के ऊपर और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विभव कुमार को मुंबई ले जा रही है दिल्ली पुलिस ताकि इस मामले की आगे पड़ताल आगे बढ़ाई जा सके। विभव के खिलाफ जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के दफ्तर से इस वक्त विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, उनसे भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन आखिर दिल्ली पुलिस की कहां तक पहुंची है और मुंबई ले जाने का विभव कुमार को आखिर सबब क्या है, इससे क्या हासिल होगा। क्योंकि जानकारी तो सिर्फ यही है कि मुंबई में फोन को फॉर्मेट किया गया था। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने यह तय किया है कि विभव कुमार को मुंबई लेकर जाया जाएगा और आगे की पड़ताल को वहां पर अंजाम दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरा केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस बहुत गंभीरता से करती हुई नजर आ रही है। मामला चुनाव के दौरान पूरी तरह से पॉलिटिकल होता हुआ भी नजर आया। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हमने सड़कों पर भी होते हुए देखी। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां तक पहुंची है, क्योंकि मामला तो पॉलिटिकल है और ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के अलावा हर कोई ये तय कर चुका है कि कौन दोषी है कौन बेकसूर है। देखिए, लगातार इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल विभव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और तकरीबन सवा घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम वहां पे मौजूद रही। उसके बाद विभव को उसके घर पर ले जाया गया। तकरीबन दो घंटे तक टीम उसके घर पर मौजूद रही। कुछ सबूत जो है वहां से इकट्ठे किए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स हैं वो बरामद किए पुलिस ने और सूत्रों का कहना है कि अब इस मामले में और आगे की जांच की जा रही है, यानी कि अब विभव को मुंबई ले जाया जा रहा है। बताया गया था जांच के दौरान कि विभव ने अपने फोन को फॉर्मेट किया था, तो किसकी मदद से उसने अपने फोन को फॉर्मेट किया और पुलिस को भी पूरी आशंका है, इस संभावना से वो इनकार नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो डेटा डिलीट किया गया उसे किसी सिस्टम के अंदर रखा गया हो, तो उसको भी पुलिस को जांच में आगे बढ़ाना है। उस पूरे सिस्टम में जो डेटा डिलीट किया गया था, जो फोन फॉर्मेट किया गया था, उसके डेटा को रिकवर करना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास एक अहम सबूत होगा। जो डेटा होगा अगर वो रिकवर कर लेती है तो पुलिस का कहना है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट की गई है। साथ ही जिस तरह से बात की जाए तो इस पूरे मामले में दोनों तरफ से, यानी कि स्वाति मालीवाल को ले जाकर सीएम आवास पर वहां पर सीन रिक्रिएट किया जा चुका है, विभव को कल ले जाया गया था वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया था। अब मोबाइल डेटा एक अहम कड़ी मानी जा रही है, यानी कि जब यह घटना हुई थी उसके बाद विभव ने किसको किसको फोन किया, किन किन लोगों के संपर्क में था, यह पूरी जानकारी पुलिस जुटाना चाहती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत है मोबाइल डेटा जो कि फॉर्मेट कर दिया गया था। बता रहे कि फोन में मौजूद डेटा उसको लेकर जो जरूरी जानकारी है उसी को जुटाने के लिए मुंबई ले जाया जा रहा है विभव कुमार।